नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका। जल्द ही करीब 500 पदों पर नई बहाली करेगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इच्छुक लोग 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकेंगे। इस पद पर 18 से 27 वर्ष की आयु सीमा तक के लोग आवेदन कर सकेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री की NBFC कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने पहले वित्तीय नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को सितंबर तिमाही में 668 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। GFSL का शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद यह कंपनी का पहला वित्तीय नतीजा है। इसके बाद जियो के शेयरों में तेजी देखने को मिली। सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 के ट्रेलर को रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिला है। रिलीज होने के 30 मिनट के अंदर ही ट्रेलर के 1 मिलियन व्यू पार हो गए हैं। ट्रेलर में सलमान खान और कैटरीना कैफ जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही मेन विलन के रोल में इमरान हाशमी भी प्रभावित कर रहे हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को पहली जीत मिल गई है। सोमवार को हुए एक मैच में उसे श्रीलंका को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी। मैच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश ने शानदार अर्धशतक जमाया। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। वैदिक मतों की माने तो माँ चंद्रघंटा ब्रह्मा विष्णु और महेश की मुखाग्नि से उत्पन्न हुई थी, जो महिषासुर जैसे दानव का मर्दन कर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माँ के इसी रूप को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र समर्पित कर महाबली राक्षस महिषासुर को मारने की आराधना की थी। दिल्ली में मौसम बदल गया है। इसके साथ ही दिल्ली NCR में ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से सोमवार को दिल्ली के तापमान में 4 डिग्री गिरावट देखने को मिली। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें।